अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम डियर स्टूडेंट्स आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ वस्ट एन के जो थर्ड दिसंबर को और फोर्थ दिसंबर को फ़िज़िक्स के एम सी क्यूज़ आए थे वो आप लोगों से डिस्कस करूंगा आल दो इससे पहले बहुत ज़्यादा डिटेल में आप लोगों के साथ हम एम सी क्यूज़ शेयर कर रहे हैं और अथेंटिक एम सी क्यूज़ शेयर किए जाते हैं फिर यही वाले एम सी क्यूज़ आप लोगों को डिफरेंट जगहों पर पे कॉपी पेस्ट होते नज़र आ रहे होते हैं डियर स्टूडेंट्स अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया तो इसको तो ज़रूर करें इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा इसके थ्रू एक आप लोगों को एजुकेशनल अपडेट्स मिलेंगी और सात स्कॉलरशिप की अपडेट्स मिलेगी अलहमद हमारे जितने बच्चे गए थे टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर लाइक यू ई टी के अंदर हमारे बहुत बड़े बच्चे तादाद में गए थे फिफ्टीन हंड्रेड के करीब तो उनमें से आलमोस्ट सिक्सटी परसेंट स्टूडेंट्स हमारे हुनहार स्कॉलरशिप जो है वो कामयाब हुए हासिल करने में आज बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे बता रहे थे कि पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर शर्मनी थी अलहमदल हमारे बैचेज़ के पढ़े हुए बहुत बड़ी तादाद में बच्चों को स्कॉलरशिप मिली है सिर्फ डियर स्टूडेंट्स की रीज़न क्या होती है हम टाइमली आप लोगों को अपडेट कर देते हैं हमारे वाट्सअप चैनल में जो भी यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप आती है क्योंकि ज़ाहिर है स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा और मसरूफियात होती हैं यूनिवर्सिटीज़ में जाके सेमेस्टर का, का काम काफी ज्यादा होता है वर्क बना लैब्स के काम होते हैं थ्योरिटिकल काम होते हैं तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपडेट्स वगैरह को देख सकें तो व्हाट्सएप चैनल के थ्रू आप लोगों को इस तरह की कोई भी अपडेट आए एक तो वो आपको पता चल जाती है दूसरा फिर हम उसको आप लोगों को तरीका का सारा बता रहे होते हैं अंदर इंटरव्यू अब होना हर स्कॉलरशिप में भी हमने बच्चों को ईच एंड एवरी थिंग बता के रखी थी कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं किस तरह से इंटरव्यू लेते हैं कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यही हमारा पर्पज़ है यही एम है ये चैनल बनाने का कि आप लोगों के साथ मैक्सिमम चीज़ें शेयर की जाएँ आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ तो पर्सनली मैंने खुद काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस किए थे तो मुझे पता है कि एक स्टूडेंट के लिए कौन कौन सी मुश्किल उसको होती हैं किस तरह से वो किन किन फेज़ेज़ में से उसको गुजरना पड़ता है तो यही वजह डियर स्टूडेंट्स इस चैनल के साथ ज़रूर कनेक्टेड रहे WhatsApp चैनल के साथ भी यूट्यूब चैनल के साथ भी इन इन यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से और बाकी जो एजुकेशनल अपडेट्स होंगे जो स्कॉलरशिप अपडेट्स होंगे वो सारी आप लोगों को इसके थ्रू मिलती रहेंगी अब डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के साथ मैं फिजिक्स के पहले भी काफ़ी एम शेयर कर चुका हूँ तो अभी मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको अलग अलग, अलग भी फिजिक्स के बताता रहा तो इसमें आप पहला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स जो आया हुआ था वट डज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डेमोस्ट्रेट अबाउट द नेचर ऑफ लाइट तो यहाँ से पार्टिकल नेचर भी है वेव नेचर भी है ड्यूल नेचर भी है तो बच्चे ऑल ऑफ दी बव भी कर सकते हैं तो डियर स्टूडेंट्स याद रखें जो वाई डी है ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था जिसने लाइट की वेव नेचर को किया था तो बेस्ट ऑप्शन इसका वेव नेचर है आप लोगों ने बीटा को टेक करना है इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड साइड सोलिनाइड उसको आप लोग किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं तो डियर स्टूडेंट्स जो कोर है मटेरियल की अगर वो उसके लिए आप सॉफ्ट आयरन यूज करेंगे जो कि ईजिली मैग्नेटाइज डी मैगनीटाइज हो जाता है तो फिर आप लोग मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं ये मैंने इसकी सारी एक्सप्लेनेशन लिख दी हुई है तमाम ऑप्शन को भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आप लोगों को यहाँ से ये इजिली क्लियर हो जाएगा मेरी कोशिश होती है मैं ब्रीफ़ सी वीडियो बना के आपको टू द पॉइंट चीज़ें कवर कर दूँ बजाय इसके इधर उधर की छोड़ के वीडियो को लेंथ किया जाए

करंट एम्पेयर है तो वोल्ट पर एम्पेयर बेसिकली इसका सी ऑप्शन राइट होगा तो बाकी मैंने ये एक्सप्लेनेशन लिख दी है आप लोगों ने डियर स्टूडेंट्स इसको पढ़ लेना है आगे आप देखें तो इफ़ वेलोसिटी ऑफ लाइट वेलोसिटी लाइट की गिवन है फ्रीक्वेंसी गिवन है तो वेव लेंथ क्या होगी तो सिंपल रिलेशन है वी इक्ल टू तो एफ लेडा अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि नस यूनिवर्सिटी के अंदर क्वेश्चन का उनका वेरिएशन होता है ईजी भी होंगे मॉडरेट भी होंगे डिफिकल्ट भी होंगे और कुछ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी होते हैं तो इनशाला मैं आहिस्ता आहिस्ता सारे एम आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा ये डियर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा रेलिवेंट और अथेंटिक मटीरियल हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे होते हैं आगे फिर यही चीजें कॉपी पेस्ट भी हो जाती हैं, मगर इन चीजों हम इतना नहीं ध्यान देते। तो यहां से क्योंकि मेन परपज होता है आप लोगों का फायदा हो तो यहां से आप लेंथ आप लोगों ने देख लेनी है अच्छा ये मैंने सारी कैलकुलेशंस कर है ठीक है तो ये ऑप्शन आप देख लें कि अगर ऑप्शन में जाएंगे आप लोग तो ये अल्फा में आपको नजर आएगा अब डियर स्टूडेंट्स आगे अगर हम देखें तो वट इज द स्टैंडर्ड फ्रिक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ए सी इन पाकिस्तान तो ये वैसे एम डी कैट में भी एम से क्यूज आ रहा है और इधर भी और यू टी के अंदर भी आया हुआ था काफ़ी दफ़ा तो ये नस्ट में भी पूछा गया था तो फिफ्टी हर्ट्स डियर स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर है इसको याद रखें इन्फॉर्मेशन बेस एम से क्यूज है ये क्वेश्चन एक आया हुआ था अ बॉडी परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन द फेस डिफरेंस बिटवीन एक्सलेशन एंड विलोसटी अब डियर स्टूडेंट्स एस एच एम करती बॉडी में एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में आपस में ये एक दूसरे के साथ इनकी अपोजिट डायरेक्शन होती।, होती है जब आप मेन पोजीशन से कोई बॉडी मूव करवा रहे होते हैं एक्सट्रीम की तरफ तो डिस्प्लेसमेंट और जो हमारे पास एक्सेलरेशन है इसमें वन एटी डिग्री का एंगल होता है तो उसके बाद अगर आप लोग इसकी विलोसटी के साथ देखेंगे तो नाइन्टी डिग्री का एंगल बनेगा ये मैंने सारा इसको इधर एक्सप्लेन भी कर दिया है क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट होता है एस एच एम करती बॉडी का डियर स्टूडेंट्स और जो विलोसटी होती है इनका आप लोग यहाँ से रिलेशन देख सकते हैं तो ये आप लोग इसको वैसे भी याद रख सकते हैं अदरवाइज आप लोगों ने ये सारी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेनी है अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल है हाफ एम वी है ये क्योंकि एनर्जी के इक्वल होता है, तो इसकी डायमेंशन या इसका यूनिट भी एनर्जी के इक्वल होगा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है व्हाट इज द सोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ये एक दो दफा क्वेश्चन आया है तो ये डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि इसका सोर्स मैटर होता है आप लोगों ने इसको नीचे से पढ़ भी लेना है आगे वो कहते हैं विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ ट्रू फॉर दी हॉरिजॉन्टल रेंज अब रेंज का फार्मूला होता है वी आई स्केयर साइन टू थीटा ओवर जी और मैक्सिमम रेंज होती है 45 डिग्री के एंगल पे तो ये रेंज का फार्मूला और जब 45 डिग्री में इस रेंज के फार्मूला में पुट करूंगा तो मैक्सिमम रेंज आ जाएगी वी आई स्केर ओवर जी तो अगर मैं इस वी आई स्केर ओवर जी की जगह पर आर मैक्सिमम प्लग इन करूँगा तो ये रिलेशन बन जाएगा तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि सिंपल रेंज और मैक्सिमम रेंज में क्या रिलेशन है तो ये हमारे पास एल्फा ऑप्शन में मौजूद था अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ तो ये अल्फ़ा ऑप्शन में मौजूद था 어 <목소리법> आगे डियर स्टूडेंट्स वो कहता है ये पहले भी आया था क्वेश्चन कि दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं वायर्स हैं उनमें अगर सेम डायरेक्शन में करंट गुजरेगा तो अट्रैक्ट करेंगी अपोजिट डायरेक्शन में से गुजरेगा तो रिपेल करेंगे और करंट की जगह पे वो चार्जेस भी कह सकता है कि दो चार्जेस पैरल मूव कर रहे हैं तो फिर भी वो एक दूसरे को क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे तो ये डियर स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन मैंने आपसे शेयर किए हैं आने वाली वीडियोज़ में आप लोगों के साथ और भी शेयर कर दूंगा और इसके साथ आप लोगों के साथ बड़ी कम्प्रीहसिव वे से भी हम डेली बेसिस पे पास्ट पेपर के क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स आप लोग व्हाट्सएप चैनल जरूर फॉलो करें आज हमें बहुत खुशी हुई है हमारे जो स्टूडेंट्स इस साल तकरीबन फिफ्टीन हंड्रेड के करीब हमारे स्टूडेंट्स यू टी के अंदर उनका एडमिशन हुआ और उनमें से बहुत बड़ी तादाद में बच्चे उन हार स्कॉलरशिप जो है वो हासिल करने में कामयाब हुए हैं जिसमें पूरे सेमेस्टर की फीस जो है वह गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से पे की जाती है और जिन बच्चों ने आप लोगों ने जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर की फीस पे की हुई थी जिनका भी रिसेंटली एडमिशन हुआ वो भी वापस कर दी गई है तो ये डियर स्टूडेंट्स बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है यही हमारे लिए खुशी होती है कि जो पर्पज़ है वो अचीव हो रहा है बच्चे बड़ी तदाद में सक्सेस सक्सेसफुल हो रहे हैं इन आने वाले दिनों में आप लोगों के लिए और बहुत ज्यादा हम चीज़ें लेकर आ रहे होंगे बाकी डियर स्टूडेंट्स जो बच्चे भी नस्ट यूनिवर्सिटी के एक प्रॉपर वे से तैयारी करना चाहते हैं तो टेंथ ऑफ दिसंबर से हमारा न्यू बैच भी स्टार्ट हो रहा है इसको जरूर ज्वाइन करें इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 800 प्लस स्टूडेंट्स नस् यूनिवर्सिटी के अंदर गए हैं अगर आप लग नस्ट यूनिवर्सिटी में कभी चक्कर लगाएं वहाँ से आप देखें तो आप लोगों को सेवेंटी पास एजुकेशन सिस्टम के पड़े हुए स्टूडेंट्स वहाँ से मिलेंगे क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा रेलवेंट कॉन्टेंट होता है बच्चों को बड़ी अथेंटिक वे से प्रिपेयर करवाई जाती है अब अभी ये जो मैं आपको एमसीक्यूज करवा रहा हूं yes, it is, आपको कॉपी होते हुए डिफरेंट चैनल्स के ऊपर नजर आएंगे अब डियर स्टूडेंट्स ये डेट याद रखें टेंथ ऑफ दिसंबर से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है इसको जरूर ज्वाइन करें इसमें यह होगा कि आप लोगों को जितनी भी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज हैं जिसके अंदर नस्ट यूनिवर्सिटी आ जाती है यू यूनिवर्सिटी आ जाती है इसके साथ कॉम सेट यूर्सिटी आ जाती है फास्ट प्यास जीकी पंजाब यूनिवर्सिटी आई टी यू यूनिवर्सिटी कराची के अंदर जो एन ई डी यूनिवर्सिटी है तो इन तमाम की आप लोगों की प्रिपरेशन हो जाएगी एक ही बैच के अंदर टेंथ ऑफ दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है जरूर इसको ज्वाइन करें इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सअप करके आप हमारे बैच की तमाम डिटेल्स ले सकते हैं मेरी काफी अभी तबीयत भी खराब थी फिर भी आप लोगों के लिए कोशिश कर रहा हूँ मैं कि मैं वीडियोज लेकर आता रहूँ बाकी काफी रूटीन भी मेरी टफ होती है उसके बावजूद आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट कंटेंट लेकर आ रहे होते हैं ताकि आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हो अपना ख्याल रखिए दुआओं में मुझे याद रखिए अल्लाह हाफिज़